रास्ता दिखा दे या खुदा। कोई बनाओ सिंगार की चीज ना रहे। अम्मा सब उठा लिया और बनाओ सिंगार की भी सारी चीजें अपने पास रख ली हैं। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं इन छोटी छोटी दुनियावी चीजों के लिए उनसे लड़ूं, उनसे झगड़ूं कि मेरी चीजें मुझे वापस करें? हाँ, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। तुम्हें एहतजाज करना चाहिए, किसी को तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? आप और सच बताएं तो मुझे लगता है कि अम्मा ठीक ही कहती हैं कि हम सफर ना हो तो जिंदगी में रंग बाकी नहीं रहते। सारे रंग तो वैसे बेरंग हो जाते हैं। तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए, मैं हमीदा खाला से बात करती हूँ कि तुम्हारे लिए कहीं और रिश्ता ढूंढे। अजी क्या बातें कर रही हैं आप, ऐसा कैसे मुमकिन है? क्यों, इसमें इतनी हैरान होने की कौन सी बात है? सारी जिंदगी बेवगी के साथ तो नहीं गुजार सकती ना, और वो भी इस सुलूक के साथ। अभी तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं है। उम्र के हिस्से में मैं इतना थक चुकी हूँ बाजी के, जिंदगी के किसी मोड़ पे चलने की हिम्मत बाकी नहीं है मुझ में। अब अगर मेरी जिंदगी में हम माँ की यादों के साथ जीना ही लिखा है तो मुझे कबूल है। लेकिन बस बस बाजी, फिर से दुल्हन बनने की हिम्मत नहीं है मुझ में, बल्कि पहली बेवकी का हिसाब लेना। पता लगाना कि मैंने उस शख्स का क्या बिगाड़ा था जिसने मेरी हस्ती खेलती जिंदगी को खत्म कर दिया, जिसने मुझसे मेरा अम्मा छीन लिया। चलना मोह की जिंदगी तो मिली थी मुझे, कैसे उसने गोली में मेरी सारी जिंदगी खत्म कर दी है? जब तक मैं हम्माद की मौत का हिसाब नहीं लूंगी ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, सुकून से नहीं बैठूंगी मैं। इसके शौहर ने इसे और सनी को एक साथ देख लिया था, इसलिए तलाक भेजी उसने। कहीं ऐसा तो नहीं कि तलाक का दाग छुपाने के लिए आप लोगों ने खुला का नाम दे दिया? जब शौहर सुख में था तो ये उसके साथ थी, और जब वो जेल चला गया तो इसने भी नजरें फेर ली। बेटा, लोगों का तो काम है बातें करना, लेकिन तुम उनकी बातों को दिल से लगाकर क्यों खाना पीना छोड़ के खुद को सजा देना कहाँ की अकलमंदी है? अम्मी मुझे तकलीफ हो रही है, सब लोग जानते हैं सनी मेरे भाइयों की तरह है, फिर ये लोग मेरे किरदार पर कैसे उंगली उठा सकते हैं? बेटा, हम किसी का मुंह तो नहीं बंद कर सकते, उन लोगों की तो आदत है दूसरों के मसलों को मिर्च मसाले लगा के उनके चिटखारे लेने की। तुम इन बातों को अपने दिल से मत लगाओ, किसी की बात की परवाह मत करो। मुझे सजा मिल रही है अम्मी, आपकी और अब्बू की नाफरमानी करने की सजा। अगर मैं उस वक्त आप लोगों की बात मान लेती ना, तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त मुझे लाइफस्टाइल चाहिए था अम्मी, एक अच्छा लाइफस्टाइल। लालच ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरी आने वाली औलाद की जिंदगी भी तबाह कर दिया। आप मुझे माफ कर दें प्लीज,
आप मेरे लिए दुआ करें, मेरी आने वाली औलाद के लिए दुआ करें आप, क्योंकि उसका बाप तो कातिल है। नहीं मेरी जान, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस तुम लोगों की बातों की बिल्कुल परवाह मत करो, अल्लाह खैर से तुम्हारी झोली भर दे, मैं खुद तुम्हारे बच्चे को पालूंगी, तुम कोई अच्छी सी जॉब कर लेना, अल्लाह सब ठीक कर देगा, और ये सारी बातें वक्त के साथ साथ धुंधली हो जाएंगी। अम्मी हम फिर गलत फैसला तो नहीं कर रहे, हम खुद खर्च तो नहीं बन रहे? नहीं बेटा, हम तो बहुत पहले फैसला कर चुके हैं। क्योंकि हमें लग रहा था कि वो डर जाएगा। लेकिन वो डरा तो नहीं ना, बल्कि उसने तो एक इंसान का कत्ल कर दिया। वो गोली तुम्हें भी लग सकती थी, तुम्हारे अब्बू को भी लग सकती थी। अब तक तो वो न जाने हमारे साथ क्या क्या कर चुका होता, वो एक जुनूनी इंसान है, दुनिया उसे भुला दो। चलो उठो मेरा बेटा, कुछ खा लो, मैं खाना गर्म करती हूँ, आ जाओ। शाबाश। कैसा वकील किया आपने? क्यों, क्या हुआ? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको दिख नहीं रहा वो ठीक से बोल तो पाता नहीं है, जज के सामने हकलाता रहता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा वकील है। बस इमरान भाई, मेरे सामने उसके हक में बात मत कीजिए आप। मैं यहां जेल में सड़ा और आप बातें बना रहे, और वो ये बताएं कि मेरा पर्सनल लॉयर कहां है, वो खुद क्यों नहीं आ रहा? मैंने शफीक से बात की है, वो यूएस छुट्टियों पे गया हुआ है, जो ही लौटता है केस उसी को संभालना है। मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, उससे कहें कि अभी यहां पहुंचे। मैं इन हरामखोरों को इतने पैसे इसलिए नहीं देता कि जाके याचिका करें छुट्टियां मना, मैं जेल में सड़ूं। मैं बता रहा हूं इमरान, अगर अगली पेशी पर मेरी जमानत ना हुई ना, मैंने एक एक की जान ले लेनी है। मजाक समझ लिया मुझे? बस है मैं तुम्हें ध्यान ना रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे आप ये बताएं, आप हम्माद के क्या लगते हैं? बस सर मैं उनका भाई हूँ। आप उनके भाई हैं? अच्छा, तो जब उनको गोली लगी तो उस वक्त आप उनके साथ मौजूद थे? नहीं नहीं, मैं तो नहीं था, लेकिन उनकी वाइफ उनके साथ थी। अच्छा, हमें उनकी वाइफ का बयान लेना होगा। आप मुझे 5 मिनट देते हैं, मैं घर में इन्फॉर्म कर दूं। ठीक है, बिल्कुल, हम वेट कर रहे हैं, बयान लेना जरूरी है उनका। यार मैं सोच रहा था कि जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी मेरा नाम कर दो। मेरा मतलब है कि कंपनी के मामलात संभालने के लिए सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ती है। हर छोटी बड़ी बात के लिए अब मुझे यहाँ आना पड़ता है सिग्नेचर्स लेने के लिए। अगर तुम पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दो तो मेरी मुश्किलात आसान हो जाएगी। नहीं, ये ख्याल भी अपने जहन से निकाल दे। ऐसे कभी नहीं करने वाला। वैसे आपकी बातों से मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा कि आप मेरे जमानत के बारे में सीरियस नहीं हैं, या फिर आपका इरादा नहीं है मुझे यहाँ से बाहर निकालने? नहीं नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि तुम जल्द अज जल्द यहाँ से निकलो, तुम्हारी बहन भी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। तो फिर मुझे जल्द अज जल्द यहाँ से बाहर निकालिए। जितना पैसा लगता है लगाए, अगली पेशी पर हर हाल में मेरी बेद होनी चाहिए। लेकिन बस लेकिन लेकिन कुछ नहीं सुनना मुझे। शफीक से राब्ता करें, उसे कहें छुट्टियां खत्म करके फौरन यहां पहुंचे। अगली पेशी पर मैं उसे यहां देखना चाहता हूं।
पुलिस? क्यों आई है पुलिस? मुझे तो लगता है कदर को ले जाने आई है। अरे नहीं नहीं, अब हमाद के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करने हैं, कदर का बयान लेना चाहते। हाँ लेकिन कदर तो इस वक्त इद्दत में है, वो ना महरम है, उनके सामने नहीं जा सकती। लेकिन मजबूरी है मैं, क्या कर सकते हैं, वो तो बयान लेंगे उस। आप एक काम कीजिए, आप उसको पर्दा करवा के ले आए और वो नकाब में उनसे बात कर लें। ठीक है। तो ठीक है, फिर आप लोग जाके कदर को लेकर आए और मैं एसएचओ साहब को अंदर बुलाता हूँ। ठीक। बैठे, मैं बुलाती हूँ। कदर, कदर, क्या बैरों की तरह बैठी हुई, बाहर पुलिस आई है, चलो। पुलिस? अब क्या करने आई है पुलिस भाभी, जिसको जाना था वो तो जा चुका है। मुझे तो लगता है तुम्हें गिरफ्तार करने आई है। मुझे गिरफ्तार करने? मैंने क्या जुर्म किया है? ये तो तुम्हें पुलिस बताएगी। मुजरिम से जुर्म कबूल करवाना पुलिस का ही काम है, मेरा नहीं। तुम चाहो तो मुझे अपनी दोस्त समझ सकती हो, अपनी सारी हकीकत बता सकती हो। किसी हकीकत? हर बात में नन्ही काकी क्यों बन जाती हो तुम? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि वो आदमी कौन था जिसने हमाद भाई का कत्ल किया? चक्कर चल रहा है ना? क्या बातें कर रही हैं आप भाभी, मैं कैसे जानूंगी? अगर मैं जानती होती कि मेरे शोहर का कत्ल किसने किया, क्या मैं बताना देती सबको? अच्छा अच्छा ठीक है, ये सफाई है ना, मुझे देने की जरूरत नहीं है। बाहर पुलिस आई है, जो कहना है उनको जाके कहो। क्या कहूँ पुलिस से भाभी, क्या कहूँ? मेरे शोहर कैसे मरा मुझे क्या पता, मुझे क्या पता उसकी कैसे मौत हुई। नहीं बल्कि मुझे पता है, मुझे पता है उसे कैसे मौत हुई है। मेरी गलती है, मैं उसको उस घर में लेके गई थी। मुझे मालूम था वहां गोली चलने वाली है, मुझे मालूम था अभी गोली चलेगी, मैं बाहर लेके जाऊंगी उसको गोली लगेगी, मेरी वजह से मरा है, मेरी वजह से मरा मेरा शौहर। अगर मैं ना लेके जाती ना, वो जिंदा होता। मेरी वजह से मरा मेरा शौहर, मेरी वजह से मरा। क्या हुआ इसे, ये ऐसा क्यों बोल रही है? कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे बता रही थी कि पुलिस आई है, ये डर गई कि पुलिस को गिरफ्तार करने आई है। अम्मी, अम्मी मैंने मारा है। अम्मी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने अपने शोहर को मारा है। ना मैं उसको लेके जाती, ना उसको ये होता। अम्मी आज वो हमारे साथ होता, मैं कसूरवार हूँ। बताए बताए सबको मेरा कसूर है सारा। कुछ नहीं है, सब पागल हो गई हो तुम, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से। उस दिन जो कुछ हुआ बस तुम्हारा बयान लेने आई है पुलिस। यही तो मैं से कह रही थी, जो कुछ हुआ है सब बता दो। अम्मी काश हम ना जाते उस दिन, अम्मी काश हम ना जाते। ठीक ही कह रही है तुम, उस दिन अगर तुम ना जाती तो शायद ना तुम्हारा सुहाग उजड़ता और ना ही मेरी गोद। ठीक कह रही है। क्या आपके शोहर की वासे अहमद से कोई दुश्मनी थी? जी कौन वासे अहमद? आपके शोहर का कातिल। जी नहीं, हमाद की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो आपके ख्याल में वासे अहमद ने आपके शोहर को क्यों मारा? जी मैं नहीं जानती, मैं और हमाद उस शख्स को जानते भी नहीं थे। क्या आप मुझे तफसील से बता सकती हैं आप और हमाद वहाँ क्या करने गए थे? हम इसे किराए पे दे देंगे, क्योंकि जब तक ये खाली रहेगा तो अम्मी को चैन नहीं आएगा। मेरा क्या है? मेरे लिए तो मेरी सारी कायनात आप ही हैं। तिनका तिनका जोड़ के हमने अपना छोटा सा घर लिया था, वो घर जहां हमने अपना मुस्तकबिल सोचा था, अपनी खुशियां सोची थी। सोचा था कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते उस घर को हम किराए पे चढ़ा देते हैं। बस वहां हम
अपने घर का मुआयना करने गए थे कि कोई मरम्मत की चीज करनी हो तो हम वहां पे कर दें। कितना खुश थे हम दोनों, कितनी प्लानिंग कर रहे थे, बस बस अपने अपने घर से हम निकले कि अचानक गोलियां चलने लग गई। अभी हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसमें से एक गोली आके हम हाथ को लग गई। सब कुछ खत्म हो गया। मतलब के वासे अहमद आपके शौहर को मारने के इरादे से नहीं आया था, ये वाकया हादसाती तौर पे पेश आया। मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती कि वो आदमी वहां क्यों और किस लिए आया। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि उसने मेरे सर पे से सायमान छीन लिया है। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि उसने मेरी हस्ती बस्ती जिंदगी उजाड़ दी है, मुझसे मेरा घर छीन लिया, मेरा शौहर छीन लिया है। एक रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा बहुत भी इंसाफ बचा है ना, तो आप मेरे शौहर को इंसाफ दिलवाएंगे, उसके कातिलों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। ताकि आज के बाद किसी लड़की का घर ना जुड़े, किसी लड़की का घर ना जुड़े। लो जी, अम्मा का दिल पिघलने में ना एक लम्हा नहीं लगता। कुछ करे मन, अम्मा के दिल में इस कदर के लिए नरम गोशा नहीं होना चाहिए। इमरान, तो मुझे क्यों नहीं साथ लेके जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे अपने भाई से मिलना है। यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं पिकनिक पर नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे भाई की सुनवाई पर जा रहा हूँ। और वैसे भी शरीफ घरों की औरतों का कोर्ट कचहरी में जाना मुनासिब नहीं है। ठीक है, लेकिन आज तुम हर सूरत में मेरे भाई को घर लेके आओगे। तुम तो ऐसे कह रही हो कि फैसला वासे का जज ने नहीं बल्कि मैंने सुनाना है। वैसे बुरा ना मानना आदिला बेगम, तुम्हारा लाडला भाई जिस मुश्किल में है इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुमने उसको अपने हाथों से खुद बिगाड़ा है, उसके गुस्से को शह दी है, उसके सोचने समझने की काबिलियत मफरूज हो गई। वाजे के सामने इंसान और हैवान में कोई फर्क ही नहीं रहा। देखो, पैसे कमाना ही सिर्फ काबिलियत नहीं होती है, दुनियादारी भी आनी चाहिए। एनीवेज, मुझे देर हो रही है, अदालत जाना है सुनवाई पर। देखो है तो मुश्किल, लेकिन दुआ करना कि जज वासे के हक में फैसला दें। अगली सुनवाई कान पक्के सुन सुनकर। यार तुम परेशान मत हो, अगली सुनवाई तक जमानत हो जाएगी। अगली सुनवाई 2 माह बाद है, क्या चाहते हैं 2 महीने जेल में सड़ता रहूं? यार ये अदालत का फैसला है, बात तो माननी पड़ेगी ना। तुझे वकालत की डिग्री दी किसने? जी सर। अबे क्या जी सर, ढंग से बोला जाता नहीं है तुझसे, जज के सामने हवाइयां उड़ जाती हैं, बकरी की तरह मैं करने लगता है तू। मेरे बस में होता ना तो तुझे जमादार की नौकरी दिला देता। You don't have right to insult me. Shut up! इंसल्ट का बच्चा। अरे यार, cool down. Relax. क्या हो गया तुम्हें? ये कोर्ट है, लोग क्या सोचेंगे? मुझे किसी की परवाह नहीं है, आपको बता रहा हूँ। इन्होंने एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता,
शफीक को बुलाए, उसे कहे मुझे निकाले यहां से बाहर, 2 महीने जेल में नहीं छोड़ूंगा मैं। तो आइंदा मेरे सामने आया ना, मेरी अगली गोली का निशाना तो बनेगा। 1 हफ्ता इमरान भाई, 1 हफ्ता। ये किस किस्म का जाहिल और बदतमीज इंसान, इसे बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं। मुझ जैसे शरीफ वकील को यूं जलील करके गए। छोड़िए ना वकील साहब, थोड़ा गुस्से का तेज है, अंदाजा नहीं है किससे किस तरह बात करनी चाहिए। नहीं इमरान साहब नहीं, भना के आप लोगों की कंपनी हमें एक अच्छा मुआवजा देती है, लेकिन इस बात का हरगिज मकसद ये नहीं कि आप मुझ जैसे शरीफ वकील को इस तरीके से जलील करें। खुदा की कसम, मेरा तो जी ये चाह रहा था इस शख्स को चक्की पिसवा पिसवा कर घिसाऊं। देखे मुझे भी इस पर इतना ही गुस्सा है, पर अफसोस शफीक को तो अब बुलाना पड़ेगा, इसकी जमानत तो करवानी होगी। अच्छा ये बताइए कि शफीक आदमी कैसा? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अगर उसे खरीदा जाए ताकि वो बासे का केस हार जाए। जरा महंगा बेचता है मान, मगर बेच देता है, पैसा उसे ईमान से ज्यादा प्यारा। ठीक है फिर, इसी के पैसों से इसका फंदा बनवाऊंगा। जब तुमने अकेले ही आना था तो इतनी देर से क्यों आए हो, और तुम्हारा फोन क्यों बंद है? वो कोर्ट में फोन बंद किया तो खोलना भूल गए। मेरा भाई कहाँ? वो आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। क्या मतलब फिक्र ना करूं? तुम मुझे कहकर गए थे कि आज उसकी जमानत हो जाएगी और वो हमारे साथ आज घर पे होगा। Just relax darling, मुलाजिम खड़े हैं, वो देख रहे हैं। इमरान मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, वासे कहाँ है, उसे लेकर क्यों नहीं आए तुम? जान just cool down, मैं जानता हूँ तुम किस फेज से गुजर रही हो। आओ आओ अंदर चलो, अंदर कमरे में बैठकर आराम से बात कर। अरे मैं भी कोर्ट के धक्के खाकर बहुत थका हुआ हूं, चलो आओ कमरे में आओ, आ जाओ। अब बताओ कहां है वासे? उसकी जमानत नहीं हुई। जमानत नहीं हुई? तुम मुझे कहकर गए थे कि तुम आज वासे को घर वापस लाओगे। देखो मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं। ये होती है कोशिश? ये मेरे भाई को जेल में गए हुए पूरा 1 महीना हो गया, तुम्हें अंदाजा भी है उसके साथ वहां पे हो क्या रहा है? सारी जिंदगी उसने आराम और आसाइश में गुजारी है, इस सख्ती का आदी नहीं है वो। तुम तो ऐसे मुझ पर खफा हो रही हो जैसे कि सबका जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैंने कहा है कि तुम जिम्मेदार हो, कहा है मैंने, लेकिन तुम उसे बाहर लाने में उसकी मदद तो कर सकते हो ना। यहां पर लोग पता नहीं कितने बड़े बड़े जुर्म कर लेन देन करके चंद दिनों में बाहर आ जाते हैं, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है और तुम फिर भी वासे की मदद नहीं कर सकते। वाह क्या बात है, है ही क्या मेरे हाथ में? तुम दोनों बहन भाइयों के नजदीक मुलाजिम से बढ़कर मेरी अहमियत नहीं है, और वो खर महज वासे है जो इंसान और जानवर का फर्क भूल चुका है। उसको मुझ पर इतना भरोसा नहीं है कि अपनी गैर मौजूदगी में कपड़ी की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर ले, और तुम कहती हो कि मेरे हाथ में सब कुछ है। इतना जहर, इतनी नफरत है तुम्हारे दिल में हमारे लिए? मैं सोची थी कि तुम भी वासे के लिए परेशान। इधर आ बैठो। I swear, वासे बिल्कुल मेरे भाई की तरह, मैं उसके लिए इतना ही परेशान हूं। तुम यकीन जानो मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं उसको जल्द अज जल्द निकलवाने की, लेकिन तुम्हारा जो रवैया है ना मेरे साथ मुझे हर्ट कर देता है।
मेरा भी दिल है, मैं भी एक इंसान हूं, दुखता है मेरा दिल। देखो मैंने अभी जो कुछ कहा था वो बस एक फितरी रद्द अमल था, बिलीव मी ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिल में, ऑनेस्टली। देखो वासे के पर्सनल लॉयर से मैंने बात की है, वो नेक्स्ट वीक पाकिस्तान आ रहा है, बस तुम देखना यूं वो निकलवा लेगा। इस वक्त के लिए प्लीज सबको संभालो। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा खालिदा कि जिन लोगों के बीच मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजारी है, जिनके सामने हमारी बेटी पलकर जवान हुई है, आज वही लोग मेरी बेटी के किरदार पर उंगलियां उठा रहे हैं, हमें रुसवा कर रहे हैं। देखिए मंजूर, आप चंद फजूल किस्म के लोगों की बातों को अपने सर पे सवार कर रहे हैं, जिनकी तो आदत है छोटी सी बात को मिर्च मसाला लगा के आगे बढ़ाना। हम तो बात की असल हकीकत जानते हैं, हमारी दुरिया बा किरदार बा हया है, फिर हमें लोगों की बातों से क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है खालिदा। हम जिस माशरे में रहते हैं वहां हमारे असल किरदार को नहीं देखा जाता, बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों की राय को हतमी मानकर हमें अच्छे और बुरे का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। फैसला? कैसा फैसला? दुरिया डिलीवरी से फारिग हो जाए फिर बताऊंगा। मंसूर मुझे तो बताएं। देखो खालिदा, मुझे ये शादी चलती हुई नजर नहीं आ रही, सब कुछ रेत की तरह बिखरता चला जा रहा है, और अब तो मुझे भी उस वैशी खूनी से डर लगने लगा है। ये सब उसकी फितरत में शामिल है, सुधर भी गया तो भी बिगड़ा ही रहेगा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि उसकी खुला करा के सनी से उसकी शादी करा दूं। ये आप क्या कह रहे हैं? कायदा में मजीद कोई बदनामी नहीं चाहता, जैसे ही दुनिया फारिग होगी मैं इशफाक भाई और रुकैया भाभी से बात करूंगा, मुझे यकीन है कि मेरा भाई मेरी बात नहीं टालेगा, वो सनी है जो हमारी दुरिया के बच्चे को बाप बनकर पालेगा और हमारा बेटा बनकर रहेगा। लेकिन मंजूर, लेकिन कुछ नहीं, यही वक्त है जिंदगी संवारने का, आगे पछतावा ही पछतावा है। ठीक है लेकिन दुरिया माने भी तो ना। समझाओ उसे, उसने अपनी मनमानी करके देख ली ना, अब मैं उसकी कोई जिद पूरी नहीं होने दूंगा, अपने हर बाप की तरह अपनी औलाद की गलती सुधारूंगा, उसका दोबारा घर बसाकर सबके मुंह बंद करूंगा, और याद रखना ये मेरा आखिरी और हतमी फैसला है। चेक की है, कितनी खूबसूरत है। ये बहुत खूबसूरत है और ये बहुत महंगी भी होगी। वैसे मैंने ना अम्मी से अभी से कह दिया है, मैं किसी बहुत ही अमीर आदमी से शादी करूंगी, जिसके पास ऐसी शानदार गाड़ी हो, बड़ा सा खूबसूरत घर हो, थोड़े नौकर चाकर हो, ताकि मैं बस मलका की तरह आराम से उस घर में रहूं। लो जी, मैडम दुरिया ने दिन दहाड़े ख्वाब भी देखने शुरू कर दिए। इसमें ख्वाब की क्या बात है, मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन है, तुम लोग देखना मेरी एक एक ख्वाहिश पूरी होगी। अल्लाह करे, लेकिन तुम सिर्फ खुदा से ऐशो इशरत की ख्वाहिश मत किया करो, उससे दुआ करा करो कि तुम्हारा नसीब अच्छा करे, तुम्हारा होने वाला शौहर तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करे और तुम्हारे सारे नाज़ो नखरे उठाए और तुम्हारा हर सुख दुख का साथी हो। बातें सुनिए उसकी, मैं खुदा से ऐसी चीज क्यों मांगू जो उसने मुझे ऑलरेडी दे दिया है। मतलब? मतलब ये कि मुझमें कोई कमी है क्या? जब किसी भी लड़के को इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी
तो मोहब्बत तो उसे खुद ही हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन है, बस एक नजर देखेगा मुझे और मेरे पीछे पागल हो जाएगा। देख लो दुरिया, तुम्हारी इस पैसे की मोहब्बत और गुरूर ने कैसे तुम्हें मुंह के बल पटखा है। काश तुमने उस वक्त अपने माँ बाप की बात मान ली होती, काश तुमने अपने साथी का चुनाव हैसियत की बुनियाद पर नहीं शख्सियत की बुनियाद पर किया होता। ये ले अम्मा, खाना खाए। ये क्या तुम हर वक्त मेरे सामने दाल बनाकर रख देती हो? कुछ तो खुदा का खौफ करें, दोपहर में तो आपने गोश्त खाया था। वो इसलिए कि मैंने बनाया था, अगर तुम्हारे बस में होता ना तो दोपहर में भी ये दाल रख देती मेरे सामने। बहुत आसान है ना दाल बनाना। मेरी बुराई का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती आप। तुम में कोई अच्छाई हो तो करो ना। और एक वो कदर है, कैसे मजे मजे के खाने बनाकर पेश करती थी मुझे, मेरे बेटे को। कैसे हम्माद उसका दीवाना हुआ फिरता था जब वो मेरी खिदमत करती थी। कैसे इतरा इतरा कर देखता था उसे। भूल नहीं सकती। ये भी मत भूलें अम्मा, उनकी मौत की जिम्मेदार भी वो ही थी। माफ कीजिएगा, मेरी तो सच बोलने की आदत है। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तो भाई डंके की चोट पे बोलूंगी, हम्माद भाई की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कदर है। ऐसा नहीं है, वो एक हादसा था, गुजर गया, मेरा सब कुछ उजाड़ कर गुजर गया। हादसा भी तो किसी की गलती की वजह से होता है ना। तो मुझे समझ नहीं आता आपके दिल में उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों है। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा मां, मैं बता रही हूं आपको, मेरी बात पर आप यकीन करें। खुद सोचे, आपने हम्माद भाई को पैदा किया लेकिन आप उन्हें ना सुधार पाए। वो लड़की, इसने कैसे सीधा कर दिया हम्माद भाई को, बल्कि अपने पीछे भी लगा लिया। इसी बात से अंदाजा लगा लें कि वो कितनी तेज है। पर ना, हम्माद भाई को बदलना इतना आसान नहीं था। मैं आपसे कह रही हूं अम्मा, कदर को जरा दबा कर रखे। आपके सामने सर उठाने की उसकी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। खाना खाइए। तो फिर क्या इरादा है? दिल तो नहीं मान रहा था, मगर क्या ये? तुझे सारी दुनिया से ज्यादा पैसे इसलिए देता हूं कि तू छोटी सी कंपनी को हरा ना पाए। मुझे रिजल्ट चाहिए, अगर तू हारा ना तो वकालत तो छोड़, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। मुंह क्या देख रहा हूं, अपना काम करो। कैसा हारना नहीं है, कागज उठा और जा यहां से। आपके पास भी यकीनन कोई जिल्लत की कहानी होगी। बद अखलाक इंसान के शर से कोई नहीं बच सकता। बद अखलाक, बदतमीज और दीवाना भी।
इसी दीवानगी के तो मजे लूट रहा है वो कैद में। ठीक है तो फिर सोचना क्या, हाथ मिलाओ और लग जाओ काम पर। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर वासे को पता चल गया तो वो बाहर निकलकर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा और एक बार फिर वो हम दोनों के कत्ल के इल्जाम में जेल में होगा। अगर वो बाहर निकला तो जो मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, मैं अब कोर्ट के फैसले में जरा देरी नहीं चाहता। दो, सिर्फ दो हेयरिंग और आपका साला या तो फांसी के तख्ते पर या सारी उम्र जेल की काल कोठरी में। और आप इस वासे एंटरप्राइजेस के अकलौते मालिक। रास्ता दिखा दे या खुदा।